तो हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं AndroWide। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं ओप्पो के Realme 1 डिवाइस का एक फेस अनलॉक टेस्ट। तो यहाँ पे ये काफ़ी छोटा सा टेस्ट होगा, सिर्फ आपको दिखाना है कि भैया इसका फेस अनलॉक फीचर कैसे वर्क करता है, अच्छा है या बुरा है, कितना एक्यूरेट है और सिक्योरिटी के क्या क्या इशूज़ हैं इसमें। तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो मैंने इसे टेस्ट किया इसके फेस अनलॉक फीचर को, वो काफ़ी कमाल का लगा मुझे। जी हाँ, मैंने Redmi Note 5 Pro से इसका कंपैरिजन किया है, वीडियो भी आगे आपको मिल जाएगा, लेकिन जो कंपैरिजन किया है उसमें यही मिला है कि भैया Redmi Note 5 Pro का जो फेस अनलॉक फीचर है वो भी अच्छा है, बट उतना फास्ट नहीं है जितना फास्ट इसका है। जी हाँ, इसका फेस अनलॉक फीचर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इवन कई बार पता भी नहीं चलता कि भैया अनलॉक भी हो गया डिवाइस। और इसमें एक कमाल का फीचर दिया गया है, वो ये है कि अगर आपका डिवाइस ऐसे सरफेस में या टेबल पर कहीं भी रखा हुआ है, तो उसके बाद आप जब फ़ोन को पिक करेंगे, जैसे ही आप फ़ोन को पिक करके अपने फेस की तरफ पॉइंट करेंगे, तो इसमें स्क्रीन अपने आप लाइट अप हो जाती है और उसी टाइम पे आपका डिवाइस अनलॉक भी हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम पे ये आपके फेस को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो यहाँ पे ये फीचर जो इंक्लूड किया गया है कि भैया टर्न ऑन द स्क्रीन वाइल रेजिंग द फ़ोन, तो ये फीचर काफ़ी कमाल का लगा मुझे। तो जैसे कि मेरा फ़ोन अगर टेबल पर रखा हुआ है और सिंपली मुझे फ़ोन पिक करके अपनी तरफ पॉइंट करना है और टोटली ये अनलॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया आईफोन एक्स की तरह कि भैया आपको पहले पावर की दबानी है, उसके बाद फेस दिखाना है, उसके बाद फिर से स्वाइप अप करना है, तो इतना कुछ नहीं करना। आपको सिंपली फोन को पिक करना है, अपनी फेस की ओर पॉइंट करना है और आपका डिवाइस हो जाएगा अनलॉक एकदम सेकंडों में। तो मेरे ख्याल से आईफोन एक्स में भी ये फीचर होता तो काफी अच्छा होता, बट मैं तो आईफोन एक्स यूज ही नहीं करता और पसंद भी नहीं करता। टिम चाचा मत देना ये फीचर, मत देना, जैसे चल रहा है आपका आईफोन एक्स वैसे ही चलने दो, बहुत बढ़िया चल रहा है वो, बहुत अच्छा लगता है, सिक्योरिटी है उसमें, बहुत सिक्योर है वो। टिम चाचा प्लीज मत देना ये वाला फीचर, ठीक, ऐसे जो चल रहा है आपका वैसे ही चलने देना। तो यहाँ पे अब आपके सामने पेशे खिदमत है इसका फेस अनलॉक फीचर का टेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे टेस्ट करूँगा एकदम नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में। यहाँ पे मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और छुपके से बॉस की नज़र से छिपके फेस अनलॉक अपना टेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेस अनलॉक फीचर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। अब मैं इसे टेस्ट करूँगा अपने घर आके और बहुत ही बढ़िया धांसू टाइप की लाइटिंग कंडीशंस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है फेस अनलॉक फीचर इसका। और अब एक बार यार चश्मा लगा के भी इसको टेस्ट कर लेते हैं कि भैया चश्मा लगा के मैं ओपन कर पाऊंगा या नहीं। तो हाँ भाई, ऐनक लगा लिया, उसके बाद भी इसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। तो फेस अनलॉक फीचर अभी तक इसका काफ़ी कमाल का काम कर रहा है। तो यार अब लाइट को थोड़ा करते हैं बंद, थोड़ा सा करते हैं अंधेरा। तो यहाँ पे मैंने अभी जो मेन लाइट जल रही थी रूम में वो बंद कर दी है। तो अभी इस लाइटिंग कंडीशन में इसे हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फेस अनलॉकिंग फीचर अभी भी ठीक ठाक एक्यूरेट तरीके से काम कर रहा है। तो भैया अब हम रूम को कर देते हैं एकदम से अंधेरा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा। ओह माय गॉड, इसमें तो मैं भी नहीं दिख रहा हूँ। ओहो भाई, मैं हूँ यहाँ पे, देख रहे हो आप, थोड़ा बहुत मैं हिलडुल रहा हूँ वहाँ पे। जी हाँ, मैं हूँ बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि भैया कैसे अनलॉक करता है। तो जी हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है अभी अनलॉक करने में। थोड़ा सा मुझे शायद अब इस सिचुएशन में फ़ोन को अपने करीब लाना पड़ रहा है, यानी कि फ़ोन को अपने फेस के थोड़ा पास लाना पड़ रहा है, तो स्क्रीन से जो लाइट निकल रही है उसके थ्रू मेरे फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। बट जब एकदम से डार्क सिचुएशन होती है तब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मैं कहूँगा स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम से असहाय या असमर्थ है। अभी भी ये आपके डिवाइस को अनलॉक कर सकता है अगर आप इसे फेस के थोड़ा पास रखेंगे तो। तो एकदम से डार्क रूम में भी आप रहते हैं तब भी आप अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं, बट वहाँ पर उस सिचुएशन में आपको थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो गाइज, यहाँ पर इसका फेस अनलॉक फीचर काफ़ी कमाल तरीके से काम करता है। तो अभी मैं बात करता हूँ इसके जो सिक्योरिटी फ्लॉ है उसके बारे में। तो जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ है, क्योंकि अगर आप सो रहे हैं गहरी नींद में, जी हाँ, अगर आप सो रहे हैं गहरी नींद में और उस टाइम आपका डिवाइस किसी के हाथ लग जाता है तो वो आपके डिवाइस को अनलॉक कर सकता है, क्योंकि यह फ़ोन आपकी आँखों को नहीं देखता, आपके फेस को देखता है, आपको थोबड़े को देखता है। आपकी आंखें खुली हैं या बंद हैं इससे इस डिवाइस को फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो पहचानता है भैया आपका फेस। तो यहाँ पे जब मैंने इसे आंख बंद करके अनलॉक करने की कोशिश करी तो ये डिवाइस अनलॉक हो गया। तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, सिक्योरिटी इशू है इसमें। तो शायद ओप्पो इसे फिक्स कर दे अपने अगले कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स में, क्योंकि ऐसा हमेशा बोला जाता है इस टाइप के फीचर्स को कि भैया सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सही हो जाएगा। बट देखते हैं कि इसमें ओप्पो की तरफ से कोई बग फिक्स आता है या नहीं आता। तो अभी के लिए इसमें बस यही इशू है कि अगर आपकी आंखें बंद हैं तब भी ये आपको रिकॉग्नाइज कर लेता है और आपके डिवाइस को अनलॉक कर
कर देता है। और यहाँ पे मैंने इसे कुछ इमेजेस से भी ट्राई किया ओपन करने का, यानी इमेजेस से अनलॉक करने की कोशिश करी, बट उस सिचुएशन में ये अनलॉक नहीं हुआ मेरे से। बट मुझे अभी थोड़ी टेस्टिंग और करनी है इसके बारे में। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक टेस्ट किया इस ओप्पो रियलमी वन डिवाइस के फेस अनलॉक फीचर का। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए भाई, शेयर करिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पांस ज़रूर करूंगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।